और आज मुझे यहाँ प्रमुख अतिथि के रूप में बुलाया था। विनोबा भावे जी का जो योगदान है, भूदान मूवमेंट है, बहुत ही पूरे देश भर में चली। और 1955 को विनोबा भावे जी यहाँ उड़ीसा में आए थे। उन्होंने महाराष्ट्र में वर्धा जिले में सेवाग्राम नाम का एक गाँव है, वहाँ उनका आश्रम था। उन्होंने वहाँ रहकर पूरे महाराष्ट्र में और देश में उन्होंने अपनी मूवमेंट चलाई थी। तो आज उनको स्मरण करने के लिए आज का प्रोग्राम था, और इसलिए आज मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री नाटी में इधर आया था। सर, जाति प्रथा को कम करने के लिए जो ग्रामीण इलाके में अभी भी नहीं हो रहा है, उसके लिए कमेंट क्या करना? हाँ, तो जाति प्रथा का जो कानून, और आज मुझे यहाँ प्रमुख अतिथि के रूप में बुलाया था। विनोबा भावे जी का जो योगदान है, भूदान मूवमेंट है, बहुत ही पूरे देश भर में चली। और 1955 को विनोबा भावे जी यहाँ उड़ीसा में आए थे। उन्होंने महाराष्ट्र में वर्धा जिले में सेवाग्राम नाम का एक गांव है, वहाँ उनका आश्रम था। उन्होंने वहाँ रहकर पूरे महाराष्ट्र में और देश में उन्होंने अपनी मूवमेंट चलाई थी। तो आज उनको स्मरण करने के लिए आज का प्रोग्राम था, और इसलिए आज मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री नाटी में इधर आया था। सर, जाति प्रथा को कम करने के लिए जो ग्रामीण इलाके में अभी भी नहीं हो रहा है, उसके लिए कमेंट क्या करना? हाँ, तो जाति प्रथा का जो कानून,